हेलो गाइस, वेलकम योर नीरज वीडियो। और आज काफ़ी समय बाद मैं अपने चैनल से लाइव आया हूँ और लाइव ये वीडियो बना रहा हूँ फेस टू फेस। और सबको, जितने मेरे वीडियो देख रहे हैं, सबको नमस्कार मेरी तरफ से। और मैं आज ये बताने आया हूँ कि कुछ लोग इतने फेक और इतने ख़राब वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं कि जिनके वजह से सबका मोनेटाइज बंद होना स्टार्ट हो गया है और अंडर रिव्यू में चैनल जाने लगा है। तो गाइस प्लीज़ ऐसा ना करें, कोई ऐसा फ्रॉड वीडियो ना बनाएं जो कि आपके वजह से किसी का चैनल बंद हो, मोनेटाइज अर्निंग बंद हो जाए। वीडियो वही बनाइए जो सबको पसंद आए और अच्छा लगे, ताकि सभी चैनल पे काम कर सकें और आपके अच्छे, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सके कोई भी। ओके गाइस, और मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करें, बताएं कि वीडियो कैसा लगता है आपको। और काफ़ी सारा जानकारी मैं कछुओं को लेकर देता रहता हूं और बताता रहता हूं। और मैं आज इसलिए फेस से लाइव आया हूं मैं अपने वीडियो पर। और चलिए आज कुछ जानकारी आपको देते हैं कि इस मौसम में कछुआ कहाँ रहता है और कहाँ रखना चाहिए। तो गाइस, इस टाइम जैसा कि देख रहे हैं, मौसम बदलते मौसम का, अब गर्मी आना स्टार्ट हो गया, ठंडी ठंडी जाना स्टार्ट हो गया है। तो गाइस, आप कछुए को या तो मिट्टी वाले स्थान पे रख सकते हैं पानी के बाहर, या हल्का पानी में उसको रख सकते हैं। और उसको खाने में क्या दें इस टाइम, तो मैं आप बता सकता हूँ कि कछुए को इस टाइम खाने में पानी में भूजा डालेंगे तो बहुत अच्छा खाता है और बहुत स्पीडली बढ़ता है, और काफ़ी काफ़ी अच्छा खूबसूरत दिखेगा। तो गाइस चलिए, मैं आपको अपना कछुआ दिखाता हूँ। और मैंने बहुत कम पानी में एक टब में छोटा सा रखा हूँ, और बताना चाहता हूँ कि वीडियो आप लोग जरूर लाइक करें और पूरा वीडियो देखें मेरा। तो चलिए ले चलते हैं कछुए के पास और दिखाते हैं कछुआ क्या खाता है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना छोटे टब में, यानी कि कितना छोटा ये टब है, प्याला है, और मैं इस छोटे प्याले टब में कितने साफ पानी में, देखिए, मैंने भुजा डाल रखा है। ये चावल का भुजा है और मैं इसको डाल रखा हूँ। और देखिए, मैंने इसे फुल डाला था, अभी तक पूरा का पूरा भुजा खत्म हो गया है, बस काफी 20-25 दाना बचे होंगे, और ये भी हमको लग रहा है कि 1 घंटे में सब खत्म हो जाएगा। और देख सकते हैं मैं कितना कम पानी में इन दोनों कछुए को रखा हूँ। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस टाइम कछुए को भूजा खिलाइए, क्योंकि कछुआ भूजा बहुत तेज खाता है, मछली और कछुआ ये सब भूजा बहुत तेज खाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कछुए को मैंने अपने, मेरे काफी बड़ा बड़ा हो गया कछुआ मेरा दोनों, यानी कि मैं इसको बहुत छोटा रखा था। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में मेरा वीडियो। और मैं थोड़ा इसको धूप में ऑप्टिकल में रखता हूँ गाइस। हेलो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और देख सकते हैं कछुआ कितना बड़ा हो गया है, गर्दन भी देख सकते हैं इसका। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।